अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगाई गई है गवर्नमेंट एमबीबीएस सेशन 2023-24 की, उसकी तमाम तर डिटेल जो है आपके साथ शेयर करूंगा। तमाम तर कॉलेजेस का कॉलेज वाइज क्लोजिंग मेरिट और कितने स्टूडेंट्स जो हैं उस कॉलेज में अपग्रेड होकर न्यू आए हैं उनकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, और जो हमारे पास क्लोजिंग रैंक है सेकंड मेरिट लिस्ट का वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और दूसरा रेसिप्रोकल कैटेगरीज के हवाले से, और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं क्या उनको नए कॉलेज में जो है ज्वाइनिंग देना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, तो इस तमाम चीज़ों के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे तफसीली वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास सेकंड कॉलेज वाइज लिस्ट का जो है वो तमाम तरह डाटा है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें के एम यू की, किंग एडवर्ड में जो है वो 93.6773 जो है क्लोजिंग मेरिट है और 4 स्टूडेंट जो हैं वो अपग्रेड होकर आए हैं। आरएमयू की बात करें तो 92.3500 क्लोजिंग रैंक है, क्लोजिंग मेरिट है, और यहां पर जो है 9 स्टूडेंट्स जो हैं न्यू अपग्रेड हुए हैं। लामा इकबाल में जो है वो क्लोजिंग मेरिट हमारे पास जो है वो 92.9364 है और 3 स्टूडेंट्स जो हैं न्यू आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, तो इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है और 92.3864 जो है क्लोजिंग मेरिट है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं जी फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर 91.65 जो है क्लोजिंग मेरिट है, 10 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं। उसके बाद बात करें मीरुद्दीन की, मीरुद्दीन में जो है वो 91.9364 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट रहा है सेकंड मेरिट लिस्ट का, और टोटल 6 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं। निश्तर में 92.2091 है और 3 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं। पीएमसी फैसलाबाद की अगर बात करें तो 91.6000 यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग मेरिट है और 17 स्टूडेंट्स जो हैं न्यू अपग्रेड होकर यहाँ आए हैं। इसके बाद गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो गुजरांवाला में 91.4682 जो है यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है और यहाँ पर जो है 8 स्टूडेंट्स टोटल अपग्रेड हुए हैं। क्यूएएमसी में जो है वो हमारे पास 91.50 क्लोजिंग मेरिट है और 9 स्टूडेंट्स टोटल जो है अपग्रेड हुए हैं या नए आए हैं लिस्ट में। इसके अलावा बात करें ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट की, तो 91.40 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है और यहाँ पर टोटल जो है 15 स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें साहिवाल की, साहिवाल में 91.3364 जो है क्लोजिंग मेरिट है और 17 स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है अपग्रेड हुए हैं। उसके बाद बात करें नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात की, तो टोटल जो मेरिट है क्लोजिंग यहाँ पर 91.3227 है और 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं। सरगोधा मेडिकल कॉलेज में हमारे पास 91.2864 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है और 27 स्टूडेंट्स जो हैं अपग्रेड हुए हैं वेटिंग लिस्ट से या फिर दूसरे मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद हमारे पास शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान है, 91.2136 यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट है और टोटल 28 स्टूडेंट्स जो हैं अपग्रेड हुए हैं। डी जी खान मेडिकल कॉलेज में टोटल जो है वो 91.2045 जो है क्लोजिंग मेरिट है और ये सेकंड लिस्ट का सबसे लोएस्ट मेरिट है और इसमें जो है वो टोटल 24 स्टूडेंट जो हैं नए आए हैं। कुछ इसमें से जो है दूसरे मेडिकल कॉलेज से हैं, दूसरी कैटेगरी से हैं जिनमें अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरीज है और कुछ वेटिंग लिस्ट से भी आए हैं। तो टोटल यहाँ पर जो है सेकंड लिस्ट का हमारे पास ओपन मेरिट का क्लोजिंग रैंक जो है वो 3166 के करीब है। 3166 तक जो है ओपन मेरिट जो हमारे पास फाइनल अपग्रेडेड मेरिट लिस्ट थी उसके मुताबिक 3166 स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है एडमिशन जो है सेकंड लिस्ट तक हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम रेसिप्रोकल की, तो रेसिप्रोकल की जैसे कि आपको मालूम है कि 14 सीट्स हैं टोटल, तो उन 14 सीट्स पर जो है वो 91.1909 जो है वो क्लोजिंग मेरिट है और 3193 तक जो है वो हमारे पास जो है रैंक है रेसिप्रोकल का क्लोजिंग रैंक। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3193 तक जो है स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है एमबीबीएस की डिफरेंट कैटेगरीज़ में, और बाकी जो कोटा सीट्स हैं उन पर जो है मेरिट जो है और भी ज़्यादा कम है। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन कितनी है और उसके अलावा जो है जो स्टूडेंट सेकंड लिस्ट में अपग्रेड हुए हैं उन्होंने ज्वाइनिंग कैसे देनी है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट का जो है इंपॉर्टेंट नोटिस है और इसमें जो है वो 28 दिसंबर 2023 जो है फ़ीस सबमिशन की लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो न्यू आए हैं इस लिस्ट में 28 दिसंबर 2023 तक जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो चलान के ज़रिए जो है फ़ी पे करेंगे और रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर जो है ज्वाइनिंग देंगे। जो भी स्टूडेंट्स पहली लिस्ट में जो है वो शामिल थे जो 15 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी और अब उनको जो है वो डिफरेंट दूसरे कॉलेज में जो है वो अपग्रेड हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो फ़ी पे नहीं करनी बल्कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी जिस कॉलेज में भी वो अपग्रेड हुए हैं उसमें जाकर जो है वो ज्वाइनिंग देना है। उनका सिर्फ़ और सिर्फ जो टोटल तरीक़ेकार है वो यही है कि वो अपने नेक्स्ट कॉलेज में जाकर जो है वो ज्वाइनिंग देंगे।
और उसके बाद उनको जो क्रेडिट सीट होगी वो उसको हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।